नीट 2021 के लेके अभी आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले जो है ना एक जो है फेक न्यूज आया और वो कई सारे बच्चे वो फेक न्यूज वाला है ना मुझे व्हाट्सअप कर दिए कि एनटीए का पूरा वो बना हुआ फॉर्मेट की एग्जाम होने वाला है, ऐसा होने वाला वैसा होने वाला। मैं एनटीए की वेबसाइट को चेक किया, उसमें ऐसा कुछ था नहीं उसके अंदर, तो मैंने कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन अभी क्या ट्रेंड आया हुआ है कि यदि कोई फेक न्यूज होगी तो उसको लेकर भी लोग यूट्यूब पर वीडियो बना देंगे उसमें, ठीक है। डेट कब होने वाली है उसको लेकर भी बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं। अब मैं आप तो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत सालों से इस फील्ड में है, तो आप ये बताएं संजय सर कि आपको क्या लगता है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आया है हमारे पास, जब तक रिकॉर्डिंग करें तब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है, और रिकॉर्डिंग खत्म करने तक आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, सरकार का कोई भरोसा नहीं कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए ना, नीट की डेट का कैसे इंतजार करना चाहिए, मतलब ये बेचैनी क्यों हो रही है इतनी? अब चूंकि एग्जाम्स बहुत लेट हो रहा है तो बेचैनी तो नेचुरल बात है, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है क्योंकि वो किसी के हाथ में है नहीं। जब डेट आएगी तब आएगी, लेकिन आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, केवल बच्चों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो जो चीज़ हमारे बस में है वो हम कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे बस में नहीं है उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अभी थर्ड वेव का चल रहा है, क्या होगा पता नहीं है, एक्सपेक्टेड डेट अभी कुछ भी नहीं है, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो मेन मुद्दा ये है कि हमें हमारी तैयारी कम नहीं होनी चाहिए, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस हमको इस बात को कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये एक पते की बात है कि आपको डेट के फेर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बच्चे मुझे व्हाट्सअप करते हैं सर, पूछते हैं कि सर कब होने वाला है, कब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। तो भाई अब हम कैसे बता दें उसमें, जब भी होगा वो एनटीए उसका बकायदा एक सिस्टमेटिक वे में डालेगा नोटिफिकेशन। और आप किसी भी फेक न्यूज में मत पढ़िए, किसी भी फेक वीडियो में, और ऐसे वीडियो देखना बंद कर दीजिए जहां पर नीट की डेट का प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं मालूम है, सब केवल अंदाज मार बातें कर रहे हैं। तो मतलब एक ट्रस्टेड सोर्स है, आपको पता है NTNEET.NIC.IN जो है NTA का ऑफिशियल वेबसाइट जो भी है उसको आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन, उस पर फोकस कीजिए। उसमें न्यूज़पेपर भी कई कयास लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम तो ये कहते हैं क्यों देखना है न्यूज़पेपर, क्यों आप सर्च कर रहे हो, जब ऑफिशियल न्यूज आएगी तो हम भी तो बताएंगे ना। हाँ। हम ऐसा थोड़ी कि बच्चों को छोड़ देंगे, नहीं ऑफिशियल न्यूज आएगी तो जरूर बताएंगे। ऑफिशियल हाँ। न्यूज आएगी कंफर्म करेंगे, उसका हम प्रिंट आउट लेके या उसका स्क्रीनशॉट लेके हम शेयर भी करेंगे इन लोगों के साथ में। क्योंकि जब ऑथेंटिसिटी ऑफ न्यूज का बड़ा मायना है एक्चुअली, अब बच्चे क्या होता है वो उसको लेके पैनिक करने लगते हैं कि अभी क्या है ना सर, ये ट्रेंड है। देखो क्या है ना, हर कोई चाहता है कि उसके वीडियो के व्यूज बढ़े, हम वो सब नहीं चाहते, हम चाहते हैं बच्चों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, तो इसलिए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि अननेसेसरी बच्चा जाए 15 मिनट का एक वीडियो बना दिया कि भैया नीट की डेट आएगी। अभी एक मैं पति के बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करूं आपको, मैं तो कमांडोस के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये दिक्कत है कि उन बच्चों को जो पढ़ते आ रहे हैं, पिछले उन्होंने मई जून से तैयारी शुरू किया था, उन्होंने 2020 का जब से तैयारी शुरू किया था, अब साल भर हो गया, ठीक है। तो एक ना जब लंबे समय तक आप पढ़ते हैं ना, लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, तो दो तरह के डर सामने होते हैं। पहला डर ये होता है कि और लंबा टाइम नहीं मिला तो जो बच्चे बहुत बाद शुरू किए थे वो भी हमारे बराबर पर आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और इस समय जो पेपर है एनटीए का, जो पेपर बन रहा है नीट का, वो जिस लेवल का बन रहा है कि उसमें है ना आपके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पर भी जो है वो कुछ फायदा नहीं मिल रहा उसमें, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर, जैसे 2020 का पेपर देखें हम, ठीक है। तो पहला डर तो बच्चों को लगता है ये बात, इस बात का कि जितना एग्जाम डिले होगा उतना हमारा कंपटीशन और बढ़ जाएगा, पहला तो ये जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात। दूसरा डर ये होता है उनको कि वो अपना धीमे धीमे एक बार सिलेबस पूरा किया फिर रिवाइज किया तो मोमेंटम खोने लगते हैं, और ये दोनों बातें बिल्कुल सही है बच्चों के पर्सपेक्टिव से। और होना चाहिए हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए तो हमको भी बिट्टा लगता है, ऐसा है ना, तो हमारे मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मेरी टीम को बहुत लगता है, बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, मुझे नहीं मालूम लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए।